हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो नीट 1.0। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज हम इस चैप्टर के पार्ट सेकंड पे आ गए हैं। इससे पहले मैं ये बता चुकी हूँ कि सेल साइकिल में जो इवेंट्स होते हैं, मतलब एक ब्रीफ जो होता है वो किस तरीके से होता है, जैसे कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, फिर जो सेल साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से जो सेल साइकिल है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। अब फिर से जो इंटरफेज है फर्दर डिवाइडेड है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो ये सब चीजें मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब कुछ पॉइंट्स रह गए थे लास्ट लेक्चर में, ये कि जैसे कि जो डिवीजन होता है ना, सेल साइकिल जो चलती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करती है कि कितने टाइमिंग में होगी। तो ये तो मैं बता ही चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में कि जैसे सेल साइकिल में इंटरफेज होता है और एम फेज में होता है, एम फेज में फर्दर और फेजेस होते हैं, ठीक है। तो इंटरफेज जो होता है वो 95% टाइम लेता है सेल साइकिल का, बाद बाकी 5% जो टाइम जाता है वो जाता है एम फेज में। तो ये डिपेंड करता है, जैसे जो ह्यूमन सेल होता है वो 24 आवर्स में अपनी सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है, मतलब एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। अगर वहीं हम ईस्ट की बात करें, जो फंगस होता है, यूनिसेलुलर फंजाई जो है, वो 90 मिनट्स में अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेती है। अगर इसके बाद हम जैसे बात करें इंटरफेज में जो फेज आते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, तो ये सीक्वेंस में ही याद करने हैं हमें। तो एक पॉइंट आता है, जैसे G1 फेज में मैंने बता दिया था कि G1 फेज, एक तो जो देखते हैं हम ये देखते हैं G1 फेज क्या है, S फेज की स्टार्टिंग और M फेज का एंड, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। क्या होगा G1 फेज, क्या होता है, द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है, S फेज में। तो ये हो जाता है G1 फेज। ये क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है, मतलब ग्रो करता है कंटिन्यूअसली, लेकिन इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता G1 फेज में। लेकिन वहीं S फेज की बात करें तो डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट हो जाता है। मतलब मान लो हमारे पास है डीएनए, हमने कह दिया 2C डीएनए हमारे पास, लेकिन जब S फेज कंप्लीट हो जाएगा तो जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वहीं अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें, अगर G1 फेज में हमारा क्रोमोसोम है हैप्लॉइड, तो S फेज के बाद भी हमारा क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड ही रहेगा, वो डबल नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स ये आ जाते हैं कि अब जैसे G2 का तो पता ही है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये सब चीजें मैं कल बता चुकी हूँ। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं एडल्ट एनिमल्स में जो कि डिवीजन शो नहीं करते, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाता है इसका हर्ट सेल, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। और जो सेल जैसे ये कब रिप्लेस होते हैं, जब कोई इंजरी वगैरह हो जाती है या जब इनकी जरूरत होती है रिप्लेसमेंट की, तब, वरना ये डिवाइड नहीं होते। अब कुछ सेल जैसे ऐसे होते हैं कि जिनमें इंजरी हो जाती है, जो सेल साइकिल में काम नहीं करते, तो वो कहाँ चले जाते हैं, जी नॉट फेज में, जिसको हम क्वेश्चन फेज बोलते हैं। अब वहीं अगर माइटोटिक की, अब हम आज ये इंटरफेज के बारे में हो गया सारा, आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ एम फेज के बारे में, एम फेज होता क्या है। तो इससे पहले एक पॉइंट और होता है कि अगर हम बात करें कि एम फेज जो होता है वो कैसे सेल्स में देखा जाता है, एक तो सोमेटिक सेल्स में देखा जाता है, सोमेटिक सेल्स, और दो तरीके के सेल होते हैं, एक तो क्या होते हैं जो गोनेट्स, टेस्टीज और ओवरीज होती हैं वो, और होते हैं सोमेटिक सेल। तो ये सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। और अगर एनिमल्स की बात करें तो ये डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में देखा जाएगा। वहीं प्लांट की बात करें तो ये जो माइटोटिक डिवीजन होती है ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स दोनों में देखी जाती है। क्या पॉइंट याद करने वाला है, ये कभी कभार स्टेटमेंट टाइप में आ जाता है क्वेश्चन। तो क्या होगा कि एनिमल सेल में जो माइटोसिस डिवीजन देखी जाती है वो तो डिप्लॉयड सेल में देखी जाएगी, लेकिन अगर वहीं हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट में क्या होगा, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में ही देखी जाएगी, ठीक है। क्या चीज क्लियर हो गई कि एनिमल में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन जो होती है वो डिप्लॉयड में देखी जाती है, और अगर वहीं हम प्लांट्स की बात करें तो वहां पे हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में देखी जाती है। कभी कभार ये स्टेटमेंट दे देते हैं एक्सचेंज करके, तो आपको सही स्टेटमेंट देखना होता है कि कौन सा है, एनिमल में सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होगी, प्लांट्स में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स दोनों में होगी। तो अब मेनली हम आ जाते हैं एम फेज पे। एम फेज जो होता है सेल साइकिल का, बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड है एक तरीके से। क्यों,
क्योंकि जो एक्चुअल सेल डिवीजन है ना वो देखी जाती है यहाँ पे। इंटरफेज में क्या कर रहा था सेल, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था डिवाइड करने के लिए। वहां डिवीजन नहीं हो रहा था, एक सेल से दो सेल नहीं बन रहे थे वहां पे। वहां क्या हो रहा था, प्रिपरेशन चल रही थी, ग्रोथ पकड़ रहा था, वो अपनी ग्रोथ कर रहा था पूरा कि अब मैं डिवाइड होने के लिए रेडी हूँ। तो अब क्या था, इसमें डिवीजन होता है, वो जो एक सेल था अब वो एम फेज में डिवाइड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एम फेज मतलब माइटोसिस फेज, माइटोसिस फेज की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो माइटोसिस फेज को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन इस वजह से बोलते हैं कि जैसे मान लो कि पेरेंट में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मान लो कि पेरेंट में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो वही क्या होगा, सेम क्रोमोसोम नंबर प्रोजेनी सेल्स में देखे जाएंगे। तो क्या हो गया, अगर मान लो पेरेंट के पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो प्रोजेनी सेल्स में भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही देखे जाएंगे। मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, पेरेंट में भी एन है और प्रोजेनी में भी एन है। अगर मान लो पेरेंट में डिप्लॉयड है मतलब 2n है क्रोमोसोम नंबर, तो प्रोजेनी में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखे जाएंगे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। मैं इसका थोड़ा सा अपने पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, जो अदर चैप्टर मैंने कराए हैं वहां पे भी ये चीज मैं बता चुकी हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग सेम रहता है। वहीं अगर मियोसिस की हम बात करते हैं तो वहां क्या बोलते हैं उसको, हम रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि अगर पेरेंट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो ऑफस्प्रिंग में कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस में आगे लेक्चर्स में बताऊंगी, अभी मैं जस्ट कंफ्यूजन ना हो उसके लिए बता रही हूँ ये। अब क्या होता है इसमें कि ये माइटोसिस में ना चार स्टेजेस होती हैं न्यूक्लियर डिवीजन की, जो हम बात करते हैं ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में, कल जो मैंने बताई थी वो कैरियोकाइनेसिस का फेज होता है। कैरियोकाइनेसिस होना शुरू होती है पहले, और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है। और साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में तो टू डॉटर सेल्स बन जाती हैं। आगे मैं इन सब चीजों को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। तो जो फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, कैरियोकाइनेसिस फोर स्टेजेस में डिवाइडेड है। ये जो पार्ट है ना फोर स्टेज में डिवाइडेड है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस आता है। तो ये जो फेज है ना, चारों जो फेज है ये कैरियोकाइनेसिस के फेज है। कंफ्यूज नहीं करना साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस के फेज होते हैं ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब इनमें वन बाय वन होता क्या है, यहाँ पे ई मिसिंग है, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है टेलोफेज की में, ठीक है। तो ये तो मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था, सेल साइकिल इस तरीके से होती है। अब हम बात करते हैं प्रोफेज वन की, अभी तक तो मैंने रीकैप ही कराया है। तो प्रोफेज में क्या होता है कि जैसे मैंने ये दिखा रही हूँ, ये दो डायग्राम दे रखे हैं, एक अर्ली प्रोफेज का दे रखा है और एक लेट प्रोफेज का दे रखा है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना एकदम अनटेंगल्ड होते हैं। अनटेंगल्ड कैसे होते हैं, मतलब धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से धागे जैसे होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे लेट प्रोफेज तक आते हुए ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जैसे ये बन गए, कैसे बन गए, ये कंडेंस हो जाते हैं, टू क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं एक सेंट्रोमियर से। अगर आपने देखा हो तो, जैसे किस तरीके से बात करें, जैसे ये हो गए इस तरीके से कि ये एक सेंट्रोमियर हो गया, और इस तरीके से क्या होता है अटैच हो जाते हैं ये, जैसे दिखाई दे रहे हैं डबल डबल दिखाई दे रहे हैं ना ये, इस तरीके से ये एक एक सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड्स अटैच हो जाती हैं। अब ये क्या करती हैं, डुप्लीकेट होना शुरू करते हैं। सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, डुप्लीकेट होना शुरू करता है और क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बनना शुरू हो जाता है, रेडिएट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में इनको अटैच भी तो होना है। और क्या होता है कि जो माइटोटिक अपैरेटस होता है उसमें क्या क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं माइटोटिक अपैरेटस में, तो इनका धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, जस्ट स्टार्ट होता है। और जो गोल्जाई बॉडी, जैसे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना सारे, गोल्जाई बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब डिसअपियर हो जाती हैं, जैसे कि लेट प्रोफेज वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है हमें। क्या हो रहा है, स्टार्टिंग फेज में ये धागे लाइक स्ट्रक्चर थे, फिर धीरे धीरे लेट प्रोफेज में आते आते क्या हुआ, ये कंडेंस हो गए और
एक शेप ले लिया प्रॉपर तरीके का, जैसे क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम तो आप सबने ही देखे होंगे। तो क्रोमो क्या करते हैं, ये फिर जैसे एक क्रोमोसोम आके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है और फिर वो अपने आप को क्या कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर लेट प्रोफेज तक आते आते बन जाता है। और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, जैसे गॉल्जाई हो गई, न्यूक्लियोलस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाती है और इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। अब प्रोफेज के बाद बाद जब हम बात करते हैं तो मेटाफेज की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे इसमें ऐसे ब्रोकन टाइप की दिखाई जा रही थी ना, यहाँ आके एकदम से क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, कंप्लीटली हट जाती है। और क्या बन जाते हैं, दो सिस्टर क्रोमोटेट्स अटैच हो जाते हैं। यहाँ क्या था, एक सेंट्रोमियर से ऐसे क्रोमोटेट, दो क्रोमोटेट जुड़ रहे थे, लेकिन अब माइटोसिस में आते आते क्या होता है कि एक सेंट्रोमियर होता है, उससे एक सिस्टर क्रोमोटेड ये हो गई और दूसरी ये हो गई। कैसे, जैसे ये बन गया कि एक सेंट्रोमियर हो गया, एक ये तो प्रोफेज में ही बन गई थी और दूसरी का डुप्लीकेशन हो गया। इस तरीके से बन जाती है ये। और क्या होता है कि जो दो सिस्टर क्रोमोटेड होती हैं, वो क्या होती हैं, जो मेटाफेजिक प्लेट होती है ना, इक्वेटर जो होता है सेल का, उसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, उस पे आके अलाइन हो जाती है। कैसे, इस तरीके से। ये क्या हो रहा है, ये लेट प्रोफेज से मेटाफेज में ट्रांजिशन हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये एस्टर बनना शुरू हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर ये हो गई। इस तरीके से ये क्या होता है, ये बनना शुरू हो जाते हैं और मेटाफेज में प्रॉपर तरीके से आते आते ये ऐसे इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, और ऐसे अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर और माइक्रोट्यूब्यूल्स के। क्लियर हो गई ये वाली चीज। अब क्या होता है कि हर एक, ये मैं बता दिया कि हर एक क्रोमोटेट जो क्या होती है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होती है अपोजिट पोल्स पे। तो देखो बीच में तो क्या होता है, एक सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर से ये दो सिस्टर क्रोमोटेट्स जुड़ जाती हैं और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। उस काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर जुड़ जाती हैं और क्या करती हैं, अपोजिट पोल्स पे ऐसे जाके अटैच हो जाती हैं, ताकि इनका अरेंजमेंट इस तरीके से बना रहे। मतलब क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, अलाइन बना रहे हैं इन स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सेंट्रियोल। क्या हो जाता है, ये हमारा सेंट्रियोल से ये इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर कहाँ आके अटैच होती है, काइनेटोकोर। और ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से अटैच हो जाती है, सेंट्रियोल से, ताकि ये इन्हें सपोर्ट दे सके। किस वजह से होती है स्पिंडल फाइबर, सपोर्ट देने के लिए। तो ये हो जाता है। और एक पॉइंट और आता है, जैसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट जो क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, किस स्टेज में दिखाई देते हैं स्टडी करने के लिए प्रॉपर, तो उसका आंसर होता है मेटाफेज। मेटाफेज ऐसा फेज है जहां की क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत क्लियरली विजिबल होता है, जिसको कि हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अब मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या हो रहा था कि ये अलाइन हो गए थे इस तरीके से, क्या हो रहा था, अलाइन हो गए थे। अब वही एनाफेज में क्या हो जाता है कि जो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं ना क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर से दो सिस्टर क्रोमोटेड अटैच हो जाती हैं, जैसे कि किस तरीके से है ये, ऐसे तरीके से। अब एनाफेज में आके क्या होता है, जो अलाइन थे वो सेपरेट पोल पे चले जाते हैं, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे ये था एक, तो ये क्या होता है, बीच से टूटते हैं, एक ब्लू वाले का पार्ट इधर चला गया और एक ब्लू वाले का इधर चला गया, तो क्या हो गया, सेंट्रोमियर का स्प्लिट हो गया। एनाफेज में क्या हुआ, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ये मियोसिस में वही कंडीशन अलग होती है। माइटोसिस की बात करें तो एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है सेंट्रोमियर का, और जो टू सिस्टर क्रोमोटेड होती है, एक सिस्टर क्रोमोटेड एक साइड चली जाती है और दूसरी दूसरे साइड चली जाती है, जैसे कि इस तरीके से। जैसे ये ब्लू वाला था, इसका एक पार्ट इधर चला गया और एक पार्ट इधर चला गया, ये एक एक सेंट्रोमियर से अटैच थे, लेकिन अब क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया सेंट्रोमियर का और ये अपोजिट पोल पे चले गए। तो एनाफेज में ये कंडीशन देखी जाती है। और सिस्टर क्रोमोटेड क्या हो जाती है, अब बन जाती है डॉटर क्रोमोसोम। अब क्या बन गई एनाफेज में, एंड में जाते जाते सिस्टर क्रोमोटेड जो थी वो अलग अलग हुई एक दूसरे से, और अब जाके क्या बन गई, डॉटर क्रोमोसोम। सब इनको क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम। एनाफेज के एंड तक आते आते ये कंडीशन हो जाती है। वहीं अगर एनाफेज के बाद जब हम टीलोफेज की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अपोजिट पोल पे क्लस्टर टाइप में बन जाते हैं और डीकंडेंस हो जाते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर। मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं, सेपरेटली दिखाई नहीं देते,
और क्या होता है कि जो लेट प्रोफेज में सारी चीजें गायब हुई थी ना, जैसे न्यूक्लियर एनवलप, और क्या हुआ था, गायब हुआ था न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपैरेटस, ये दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं उसके आसपास। क्या होता है, दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप जब आसपास उसके डिवाइड होने लगता है क्रोमोसोम के, तो दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती हैं, जैसे कि ये एक ये डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गई और एक ये हो गई, और स्पिंडल फाइबर क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है। यहाँ पे आके डिटैच तो इस वजह से हो गई ना क्योंकि क्रोमोसोम को सपोर्ट ही नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ कंडेंस हो गए। और फिर क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, ये सारे फेज जो हम पढ़ते आ रहे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और ये सीक्वेंस में ही पढ़ने हैं हमें क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारे इवेंट्स चलते हैं कि प्रोफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, फिर एनाफेज में क्या हुआ, टेलोफेज में आके ये डीकंडेंस हो गए और दो न्यूक्लियस जो है वो अलग हो गए। अब ये एक से हमने स्टार्ट किया था, अब क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया यहाँ पे टेलोफेज में आते आते। अब क्या होता है कि नेक्स्ट जो फेज आता है, ये पूरा मैंने डायग्राम दे दिया है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे, जो पूरी मतलब प्रोसेस है, तो एक साथ देखने के लिए आप देख सकते हो एक एक फेज का। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। अब जैसे ये चीज यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, अब धीरे धीरे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होना शुरू होता है, और टीलोफेज जैसे ही खत्म होता है तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस जैसे ही खत्म हुआ, कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और दो डॉटर सेल बन जाती हैं। अब दो डॉटर सेल बन गई तो ये फिर से इंटरफेज में चली जाती हैं क्योंकि फिर इनको अलग अलग फिर से डिवाइड होना है। जैसे ये प्रोसेस चला था ना, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये इस सेल का अलग हुआ और इस सेल का अलग हुआ, तो ये साइकिल इस तरीके से कंप्लीटली क्या होता है, चलती ही रहती है। तो साइटोकाइनेसिस का क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, टू डॉटर न्यूक्लियाई तो फॉर्म हो गई थी, अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होता है और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन टू डॉटर सेल्स। अब इसमें क्या देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये फंजाई के बारे में थोड़ी सी चीजें बताई थी, एल्गी, प्लांट सेल्स भी मैंने ये सब बता चुकी हूँ, कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, क्रायोकाइनेसिस के तुरंत बाद नहीं होता है। क्या होता है, तुरंत बाद नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए क्या देखा जाता है कि साइटोप्लाज्म मिक्स नहीं होता, वो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज देखी जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम, लिक्विड एंडोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है उस तरीके की देखी जाती है कि डीकंडेंस हो जाता है। जैसे ये वाला फेज था ना, ये इस तरीके से ही रहता है बहुत टाइम तक, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होता है तुरंत इंटरफेज वाला, ये साइटोकाइनेसिस जो हो गई अलग अलग डॉटर सेल, ये नहीं, ये कंडीशन देखने को मिलती है, तुरंत नहीं होता है इसमें साइटोकाइनेसिस। तो ये कुछ फंजाई, एल्गी वगैरह में देखने को मिलती है, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे लिक्विड लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट की जब हम बात करते हैं, फिनोसिटिक हाइफी ऑफ राइजोपस, तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ये हो जाता है हमारा पूरा माइटोसिस का प्रोसेस, इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, उसके बाद जब एम फेज में एंटर करता है तो जो प्रोफेज और उन सब फेजेस के दौरान जब वो गुजरता है, तो सारी प्रोसेस जो होती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब मैं बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से पूरी सेल साइकिल चलती है। जब साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो एक सेल से दो डॉटर सेल मिल जाते हैं, फिर वो डॉटर सेल होते हैं फिर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, मतलब पहले इंटरफेज में रहेंगे तो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, फिर वही एम फेज वाली प्रोसेस चलती है। तो ये क्या होता है, इसी तरीके से सेल साइकिल जो है वो चलती ही रहती है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर दी नेक्स्ट लेक्चर।